हमारे ब्रज में कहते कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के माल पर मरता है, पर सच्चा मरना वो है जो यशोदा के लाल पर मरता है। जिसने अपना मन यशोदा के लाल को दे दिया, ठाकुर जी को दे दिया, चित्त उनको दे दिया, पर चित्त उनको दोगे कब? दो देने का मन तभी होगा जब उनके स्वरूप का दर्शन करोगे। पर हम करते क्या, मंदिर में जाते, मंदिर में गए, जा करके हाथ जोड़ा, आंख बंद करी और बस अपनी मांगने की लिस्ट चालू कर देते। अजी मंदिर गए हो, पहले भगवान को जी भर के निहार तो लो, एक एक उनके अंग को देख तो लो, कैसे सुंदर ठाकुर जी, कैसे सज धज के बैठे। किसके लिए? आदमी अपने लिए थोड़ी सजता है, इसलिए सजता है कि सामने वाला हमें देखे और देख करके कहे अरे वाह। शादी में वो जनवरी की ठिठुरती ठंड पड़ रही हो, पर उसमें भी मैया स्वेटर नहीं पहनेगी पार्टी में जाएगी तो, क्यों? क्योंकि स्वेटर सॉल पहन लेगी तो गले का जो लाखों रुपया का को जो हार खरीदा था वो कैसे दिखेगा। और जब वो दिखता है और जब साथ वाली सहेली पूछती है वाह कितना बढ़िया है, कितने में लिया, तब जाके मन को शांति मिल। हार सुख नहीं देता, पर उसको देख करके जब लोग आकर्षित होके पूछते ना कि कहाँ से लिया, कितने में लिया, किसने दिलाया, तब सुख मिलता है। तो ठाकुर जी थोड़ी मंदिर में श्रृंगार अपने लिए किए बैठते हैं, ठाकुर जी भी तो इसलिए सजते हैं ताकि जो मेरे सामने आए और देख करके मेरा श्रृंगार कहे वाह 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 क्या सौंदर्य है इनका, क्या रूप है इनका। राधा रमन जी रोज, और आप आश्चर्य देखिए, जो श्री राधा रमन जी का दर्शन किया उनकी महिमा जानते हैं, हर क्षण उनका जो स्वरूप है बदलता है। कभी तो एकदम किसी रूप में, कभी दो दो छोटी सी वो श्वेत रंग की वो छोटी सी दतुलिया श्री राधा रमन जी की दिखाई देने लगती है, कभी मुस्कुराने लगते हैं। कैसा अद्भुत आश्चर्य है, ठाकुर जी की कोई मूर्ति मूर्ति थोड़ी होती है, साक्षात भगवान होते हैं। इसलिए जाकर के उनको निहारो, उनका दर्शन करो, एक एक रूप का दर्शन करो। बिहारी जी में भीड़ बहुत होती है, हम तो जब भी जाते धक्का मुक्की बैठ ही नहीं पाते। अजी मत बैठ पाओ, तुम मत दो मिनट वहां खड़े होके बिहारी जी के स्वरूप को अपने मन में भर लो और फिर बाहर आ जाओ, फिर वो धक्का मुक्की से निकल जाओ बाहर, और बाहर जाके किसी एक कोने में किसी सीढ़ी पे चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद करो और जो भीतर देख के आयो घंटा भर उसे खूब देखो, वहां कौन तुमको हटाने वाला है, वहां बैठ के निहारो फिर आराम से। पर वहां जब जाते हो ना, वहां तब आपकी जो दृष्टि एकमात्र भगवान के स्वरूप पर होनी चाहिए। वहां फिर कोई असली बिहारी जी का दर्शन क्या है, उसे असली बिहारी जी का दर्शन है घर से सोच के आए थे इतने पैसा मांगेंगे, हमारे जीवन में ये ग्रह चल रहा है ये खत्म हो जाए, ये मांगेंगे वो मांगे, लेकिन जैसे बिहारी जी के सामने खड़े हुए, खड़े होकर के जब बाहर दर्शन करके आ जाओ तब याद आए अजी हम तो कुछ मांगने आए थे, पर क्या करें बिहारी जी में ऐसे खो गए कि याद ही नहीं रहा कुछ मांगना भी, तब समझना आज दर्शन तुमने बढ़िया से किया। मांगने की याद ही ना रहे, भले सोच के गए हों कि ये करेंगे वो, पर वहाँ जाके सब भूल जाओ, केवल ठाकुर जी के नेत्र ही दिखें, केवल उनकी मुस्कुराहट ही दिखे, केवल उनका वो चंद्रमा सा चमकता हुआ प्रकाशमान शोभायमान वो सौंदर्य से भरा मुखारविंद ही दर्शन हो। ये असली दर्शन है। तो कहीं भी जाओ, दुनिया में किसी भी मंदिर जाओ, ऐसे ही दर्शन करके आया करो कि ठाकुर जी के। कई लोग तो ऐसे होते हैं, आप दर्शन करके बाहर भी आ जाओ ना और उनसे पूछो कि भगवान ने आज कौन सा रंग पहना था, तो खोपड़ी खुजाने लगेंगे अजी हम तो
पता ही नहीं लगा क्या क्या कब कैसे घुसे कब बाहर आ गए पता ही नहीं लगा। थोड़ा बहुत जो समय मिलता वो आंख बंद करके बैठ जाते, पता नहीं कितने बड़े ध्यानी हैं। वैसे तो ध्यान होता नहीं घर में बैठ के, तो आंख कभी बंद की नहीं, भगवान के सामने जाके आंख बंद करके ध्यान चालू हो जाता। ब्रज की भक्ति आंख बंद करने वाली नहीं है, ब्रज की भक्ति आंख खोल करके ठाकुर जी को निहारने वाली भक्ति। ब्रज की गोपी कहती है हम आंख बंद करके कोई ध्यान व्यान करना नहीं जानती, हमको तो खुली आंखों से चहु और कन्हैया दिखाई देता है। जो संसार से बढ़कर के कृष्ण को चुनता है, भगवान को चुनता है, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, ऐसे भक्त का मैं सब योग क्षेम का वहन कर लेता हूं। भगवान आश्रितों पर कृपा करते हैं, भगवान कहते हैं मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है कि सब पे कहूं कि मैं सबका दुख संकट हर लेता हूं, नहीं नहीं नहीं, तुम अपना जानो, अपना काम करो, अपने कर्म करो, पर जो मुझको समर्पित है भगवान कहते हैं एक कदम तू चलेगा मैं 10 नहीं 1000 कदम चल करके आऊंगा और उस भक्त की रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दादा भीष्म की प्रतिज्ञा भूल गए क्या? शास्त्र बार बार याद दिलाता है, दादा भीष्म ने कहा ये जो बना बड़ा इस महाभारत युद्ध का जो हीरो बना फिर रहा है ना ये कृष्ण, आज इसकी देखना, महाभारत के युद्ध भूमि में आज मैं परीक्षा करता हूं। क्या कहा था इस कृष्ण ने, अस्त्र नहीं उठवाऊंगा, मैं पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि इससे अस्त्र उठवा के रहूंगा। दो लोगों की प्रतिज्ञा, और वो भी कैसे लोग जिनकी प्रतिज्ञा आज तक टूटी नहीं, कृष्ण की प्रतिज्ञा कौन तोड़ पाया, और पितामह भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। महाराज आज तो कुछ अद्भुत ही होने वाला है, आज पूरे देवताओं के विमान आकर के आकाश में खड़े हो गए, देखते क्या होता है, कृष्ण हारेंगे कि भीष्म हारेंगे। युद्ध शुरू हुआ, दादा भीष्म ने बाणों की पूरी बौछार बारिश शुरू कर दी, और जैसे बाणों की वर्षा हुई अर्जुन का रथ अस्त व्यस्त हो गया, पहिया टूट गया, ध्वजा टूट गई, सब जो कवच है कवच टूट करके दूर गिर गया। कृष्ण समझ गए कि आज दादा भीष्म अपनी पूरी फुल फॉर्म में आए, एकदम जम के आए, और आज कुछ करके ही मानेंगे, आज नहीं छोड़ने वाले, अर्जुन गया आज काम से, ये तो तब से ऐसी बस भारी युद्ध कर रहे थे इसलिए अर्जुन जीत रहा था, दादा भीष्म अपनी पर आ जाए तो अर्जुन टिक पाएगा, आज इस अर्जुन की खैर नहीं पर मैं कैसे बचाऊं, इस अर्जुन ने मुझको चुना था। बाण पर बाण छोड़ते गए कृष्ण, बस अब देख न पाए, शरीर लहूलुहान हो गया अर्जुन का, कूदे श्री कृष्ण रथ से कूद करके श्री कृष्ण ने रथ का पहिया पकड़ा, और पहिये को पकड़ करके एकदम क्रोध में लाल होकर के रुद्र रूप धारण करके मारने दौड़े दादा भीष्म को, भागते भागते दौड़ते आ रहे हैं उस पहिया को लेकर के। दादा भीष्म देख रहे हैं कि आज श्री कृष्ण, आज तक कृष्ण का शांत रूप देखा, आज ये रुद्र रूप देख करके कांपने लगे पितामह भीष्म, बैठ गए जमीन पर हाथ जोड़ करके, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तभी कोई युद्ध भूमि से चिल्लाया, अरे कृष्ण, अरे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, आपका वचन टूट गया, आपका वादा टूट गया। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बावरे, कृष्ण की एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना, यही कृष्ण की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। अब उसमें हमारी भी टूटे तो चलेगा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ये मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, अपनी टूट जाए। अपनो मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा, ऐसे श्री कृष्ण।
हर स्थान पर श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, पांडवों को बचाया, द्रौपदी की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की भी श्री कृष्ण ने रक्षा की। अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, बालक मर गया, लेकिन रोती रोती भगवत शरणागत आती हैं, भगवान रक्षा करते हैं। फिर भगवान द्रौपदी, पांचों पांडव सब पर कृपा करते हैं, भुआ कुंती पर कृपा करते हैं।